जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक उनको मौका है। भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है, जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है, ये वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से, समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा, नहीं उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती है। तद वायस तीर्थम, भागवत में बताए, न तद वचस चित्त पदम हरेर जस प्रगनीत कर ही चीत तद वायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो वायस तीर्थम कौए का आनंद का स्थान है। कौए कौए जितना झूठा चीज खराब चीज फेंक देता रास्ता में, उसी में कौए लोग आके आनंद लेते हैं। तद वायसम तीर्थम, और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस हंस हंस राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है जहां पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहां जाके वो हंस लोग रहता है। और कौए होता है जहां सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौए जाता है। ये पक्षी में ये विभेद है, कोई हंस है कोई कौए है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए है। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस राजहंस ये उचित है। भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है। हाँ, उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक कोरे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में ताम तो देख रहे हैं, सारा दुनिया में केवल आहार निद्रा भय तो नहीं जानते, तो उनको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है, जो पृथ्वी का है कि कोना कोना में सब चले जाए, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुनाए। ये सुनता है, ये सुनने लेके बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया, जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे, जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 बरस आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा, वो चीज उधर है नहीं। वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकोगे, इधर बना सकते हो बोनगाए सियाल राजा, जंगल में सियाल भी वो सियाल भी राजा हो जाता, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और स्काई स्क्रबर बिल्डिंग बना करके इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत बढ़। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली कृष्टि है, सभ्यता है, भगवत भक्ति
और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है, उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार। सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं है। और चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। हाँ, कहें गुरु का बहुत जरूरत है, क्योंकि सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनशन बात बता कर उधर के मांस खाने के लिए सीख आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महापुरुष बताते हैं कि आमार आज्ञाएं गुरु हो, मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु हो। ऐसा भूमि फोर गुरु नहीं, आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर ऑथोरिटी का ऑर्डर मानते हैं वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् शाब्दे परेच निष्णातं ब्रह्मणि भुषमाशयम्, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति तद्ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शी, जो तत्त्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा है। ऐसा भूमि फोर्म तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं, कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात, जयदम परमम गुह्यम मद भक्ता मत भक्ति सो विदास न चत्मात् मनुष्य सुकित में प्रिय कृत। तो पूर्व पूर्व आचार्य का ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते। तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं इसीलिए जे आमार आज्ञा गुरु है या तारो यही देश, हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूं, कृष्ण चैतन्य महापुरुष क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मां एक अंग शरणंग भज, और चैतन्य महापुरुष बोल कह रहे हैं जो कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं है। और चैतन्य चरितामृता और खास करके बताते हैं हमारा आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा को चैतन्य महापुरुष कोई नई बात नहीं बोल रहे, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो, क्योंकि कोई मुश्किल है क्या। यदि ये प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी, भगवद गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए, कोई मुश्किल है। कृष्ण उपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। जो कृष्ण बोल रहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महापुरुष बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं। तो धर्मस्थान स्थित पुंसान विश्वास न कर, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। ये शास्त्र का निर्देश है, सबको मिल करके सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे
आपको पास आकर के दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तिनक ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूँ। ये प्रचार जो विषय तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो तो बोलो, क्या बोलने को चाहते हो? तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है, सकलों में वह विहाय दुरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए, सकलों में वह विहाय दुरा। फिर हमको क्या करना है? चैतन्य चंद चरण कृतानुराग, ये चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करें। ये प्रचार, प्रचारक का काम है, प्रचार कलिकाल में ये झगड़े का अड्डा है, ऐसा ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए, उसको बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूँ, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। वो क्या बता है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण को, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में हो, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्म मान पुरुष, तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोल, बस गुरु बन। तो धर्म स्थान स्थित पुंसान विश्वक से न कथा सुन, और भी एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, तो ड्यूटी एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में चार विभाजन होना चाहिए, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्व सम दम तिथि खा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? कलयुग में तो यही मुश्किल है, कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं है, कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर, और ब्राह्मण है हेड, और क्षत्रिय है बाहु, और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में चार विभाजन है, इसी प्रकार समाज का चार विभाजन होना चाहिए, और सबसे परस्पर कोऑपरेशन सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है तो ये क्या गवर्नमेंट चला है? शूद्र क्या जाए, तो क्षत्रिय चाहिए। इसलिए दुर्दशा, ये जो चार विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू, हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म, हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये आठ चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलाना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया, और ठीक ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलता नहीं, इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है
भगवान को संतुष्ट करना, ये असल काम है। वर्णाश्रम विभाग, हाँ ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः कुंभी द्विजस श्रेष्ठ, हाँ ये सुध गोस्वामी बताए तो देखो जी आप लोग तो सब द्विजस श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है, तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है। अतपुम भी द्विजस श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, कोई वर्णाश्रम को बात किया है, चार वर्ण और चार आश्रम, तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण है ये, चाहे ब्रह्मचारी है ये, चाहे शूद्र है ये, चाहे गृहस्थ है ये, जो कोई सूर्य असल आपका काम है संग सिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संग सिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करने, तो कलयुग में ये जो विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ स्त्रीत्वी होना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक काम सबके लिए उचित है जो हरितोषण, हम भगवान को संतुष्ट, तब आपको सिद्धि होगी, संग सिद्धि हरितोष। तो भगवान कलयुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सकेगा, क्यों, क्या किस तरह से, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरंग। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं, इसलिए हरे नाम भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं हरे नाम, इसलिए खास करके बताया हरे नाम, तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराहो आदि अनेक हजार हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले, नहीं हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं, वो बोलता हम लोग बोलता है अकबर है अल्लाह, अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए, और कुछ नाम, नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति, तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझाने धर्म स्थान विश्वक्ष न कथा सु भगवान को अपनाया नहीं है, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल, ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलयुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं मां जतन्तश्च धीरभृतां, भगवद्गीता में ये सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं, सततं सततं माने 24 घंटे, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण, सततं कीर्तयन्तं मां जतन्तश्च धीरभृतां, नमस्संतश्च मां नित्यं नित्यजुक्ता उपासते, ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं, जो फिर समय है वही कबल, यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभाव न थी जो शास्त्र विधि मुत्सिज वर्तती काम का, न सिद्धि स्वभाव न थी उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखांग न परांग थी, और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दी, तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महापुरुष ने प्रचार किया है कि हरे नाम हरे नाम ही केवलम, बड़ा सरल उपाय है, ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और उसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच। काली भक्त माने मटाखा भक्त जन, आज की भक्त तत्व किसी न गणंग देही भूपंग देही रूपवती भाज्यांग देही जसो देही ये सब देही, और आम खूब मजा करी तारीख पालिक बुझो तारे जन्म ही करा है जरा पाटा खावे।
এমনি বৃথা মাংস কসাইখানার মাংস কে কে একবারে নরকে যাবে, সেই জন্য কালী পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে মাসে একবার হয় অমাবস্যা, অমাবস্যাতে কালী পুজো করলে আর যাই হোক মায়ের প্রসাদ খাও, তো মাসে একবারই পাঁটা খাবার সুবিধা হয়। আর রোজ নয়, রোজ নয় যে ওই দোকানেতে একটা কালী রেখে দিয়েছে, এটা তো স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে কালী পুজো করে খাও, এটা মানে রেস্ট্রিক্ট কর, এটা যে খুব একবার রাস্তা খুলে দিয়েছে আজকাল যেটা চলছে সব জায়গাতে, মুসলমানের আছে, মুসলমানের যে কোরবানি সেটা ওই বকরির সময় মসজিদে করে, এটা জিহিংসা একেবারে নিষেধ শাস্ত্রতে সব জায়গায়। খ্রিস্টানরাও টেন কমান্ডমেন্টস ভেতর আছে, দাও সাল না কি কে মানছে কি শুনছে যা তা শাস্ত্র, সেই জন্য বলছে যশাস্ত্র বিধি মুসৃজ্য বর্ততে কামকাল না সিদ্ধিংসাবাদ না সুখম না পরাম, যারা শাস্ত্রবিধি ছেড়ে দিয়ে যা তা করে তারা সুখ তো কোনোদিন পাবে না, সিদ্ধিও পাবে না, আর মুক্তির তো কোনো কথাই। শাস্ত্রেতে লোকে বলছে, শাস্ত্রেতে বলেছে লোকে ভবয়া আমি সমুদ্রসী বা নিত্যাস্ত জন্তু, জন্তু মাত্রেই তিনটে জিনিসে খুব আকর্ষণ আছে, কি না ববয়া স্ত্রী সংসর্গ করা, আর আমিষ, আমিষ মানে মাংস মৎস্যাদি ভোজন করে আমিষ, ববয়া আমিষ আর মদ্য সেবা লিকার ড্রিঙ্কিং লিকার, এটা একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে, এটা আবার শাস্ত্রেতে নির্দেশ করছে কেন, না নির্দেশ এই জন্য করছে যে আকর্ষণটাকে ক্রমশ ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে ওটাকে নীল করে দেবে, এই জন্য শাস্ত্রেতে বলছে। বিবাহ করতে বলছে যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ হতে আছে, বিবাহ করার না করো আছে, ওটা বিবাহ করতে বলছে কেন না ওটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে যে একটা স্ত্রী একটা পুরুষের মধ্যে থাক, তা নাহলে ব্যবিচার হলে তো আর কিছু থাক সব নষ্ট হয়ে যাবে, ওটাকে রেস্ট্রেন করছে, যে পাঁটা তো এমনি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায় আবার কালী পুজো করে বলবার কি, ওই রেস্ট্রিক্ট করছে যে অমাবস্যার দিনে কালী পুজো হবে, তার মানে রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেল মাসে একবার, ওই ইচ্ছে করল বাজারেতে কসাইখানার মাংস কিনে নিয়ে এলো, সে মহাপাপ, রেস্ট্রিক করতে 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 কোনোদিন ওটা শূন্য হয়ে যায়, আসল উদ্দেশ্যটা যে সেরকম ছাড়তে হবে, কিন্তু এতে ছাড়বে না ওই আস্তে আস্তে ছাড়বে, এই জন্যে শাস্ত্রতে নমার কষ্টেন বলুন গৌরী মঠের কথা এখানে আনবার কি দরকার, আপনার ওইসব বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের কথা বোঝা যায় না, শোনো এ ভগবান কৃষ্ণ ওই জন্য জন্ম কর্ম মে দিব্য, আপনি যে জন্মটন্ম বুঝে রেখেছেন বাবা মা জন্ম ও জন্ম ন, এই জন্য বলছে জন্ম কর্মাংশ দিব্য যু জানাতি কর, শোনো শোনো ভগবানের জন্মটা ওইরকম না, আপনি যেরকম বলছে বাবার থেকে জন্ম হলো মায়ের থেকে জন্ম হলো তা নয়, এই জন্য বলছে জন্ম কর্মাংশমে দিব্যম, দিব্যম বলবার কারণ উদ্দেশ্য কি, ওটা লৌকিক নয়, আপনি তো লৌকিক কথা বলছেন,
হ্যাঁ ওই তো বাবা মার জন্ম, পিসিমার জন্ম, মায়ের জন্ম, এইসব হচ্ছে লৌকিক। হ্যাঁ তো সেইটা, সেই জন্য বলছে যে ওটাকে জানতে হবে ভালো করে, জন্ম কর্ম বংশ জানাতি তত্ত্ব। আমি যে বুদ্ধি নিয়ে বুঝে রেখেছি জন্মকর্ম, ওই সব বুদ্ধিতে চলবে না, দিব্যম এবং তত্ত্বত জানতে। এবং ভগবান নিজে বলছে যে মনুষ্যানাম সহস্রেশু কশ্চিত যদি সিদ্ধায় যত তাম বিসিদ্ধানাম কশ্চিত ব্যক্তিমাম তত্ত্বত। তত্ত্বত বুঝতে হবে, আর সে তত্ত্বত বোঝাটা সাধারণ না। বলছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেউ সিদ্ধি লাভ করে, আর যতটা আমাকে সিদ্ধা না, এই সিদ্ধি লাভ যারা করে তাদের মধ্যে কেউ জানে তত্ত্ব। ও আপনি বুঝে রেখেছেন যে মায়ের পেট থেকে যেমন ছিল কৃষ্ণ জন্মেছে রাম, ওইরাম ন, সেটা বুঝতে হবে, সেটা তাত্ত্বিক বুঝতে হবে। এবং সে তাত্ত্বিক বুঝবার রাস্তাটাও ভগবান বলে দিয়েছে, ভক্তা মাম অভিজানা যাবান যাচ্ছানি তত্ত্ব, ওই তত্ত্ব ভগবানকে তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, যা আমরা বুঝে রেখেছি ওইরকম বুঝে হবে। এবং তত্ত্ব বুঝবার জন্যে যে তত্ত্ব দর্শী না ভগবান বলেছেন, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে না সেবয়া উপদর্শন্তি তদ জ্ঞানম জ্ঞানী ন তত্ত্ব দর্শী। এই তত্ত্ব কতটা আগে বুঝতে হবে, ওইরকম নিজের মন গড়া বুঝলে হবে। এবং সেটা জানতে হবে তদ্বৃদ্ধি, সেটা জানো কি করে, প্রণিপাতে না, আগে নিজের যে বিদ্যা বুদ্ধি আছে সেটাকে প্রণিপাত করতে হবে, প্রকৃষ্ট রূপে করে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশন, যে আমি খুব জেনে রেখেছি বুঝে রেখেছি ব্যাস ঠিক হয়ে গেল না, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে, প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত করে দাও, প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে সেই ভয়া সেবা করতে হবে, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, প্রণিপাত করতে হবে। এইরকম ভাবে করলে যে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী যে তত্ত্ব জানে সে বুঝে যাবে, নিজের মন গড়া বুঝলে হবে, যেমন শাস্ত্রের নির্দেশ আছে সেরকম। ওই জন্য বলছি যে তত্ত্বদর্শীর কাছে যেতে হবে, ওইরকম ভাবে বুঝলে হবে, ওইরকম বুঝলে হবে। এটা স্পেকুলেশনের জিনিস না, তথাপি দেব পদাম বুঝদ্দম প্রসাদ লীসান গৃহীত এই জানাতি তত্ত্বম, প্রসাদ লীস গৃহীত, যারা ভগবানের সামান্য একটু প্রসাদ পেয়েছে তারা তত্ত্ব তো বুঝতে পারে, জন্ম কর্ম অংশ দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব, ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞান হলে শুধু মুক্ত হয়ে গেল। একদাসৌ বনং জাত, ও অজামিল কা উপাখ্যান আবার হামলোগ বর্ণন কর রহে হ্যাঁ। ও অজামিল কা বিষয় পহলে ব্রাহ্মণ বালক, সব ব্রাহ্মণ কা গুণ উসমে থা, ও ব্রাহ্মণ কা গুণ জো হ্যায় উসকো বতায়া গিয়া হ্যায়। अयं ही सुतसंपन्न, ये व्यक्ति जब बालक था, ये युवक था, उनको शादी हो गया था तो सुतसंपन्न, सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान, वेद का नाम है श्रुति, और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत, जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु से, सुनने का चीज है। पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग आ करके सुने, सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा,
सुन के होगा भगवान कान दिया है। असल में पहले वेद का ज्ञान सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था, लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक ये कलयुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलयुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा, वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतनी किताबें सब छप रहा हूँ कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए,